हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ वनीला केक की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी ऑयल या बटर का यूज नहीं करूंगी, बल्कि इस केक को मैं व्हिप क्रीम के साथ बनाऊंगी। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट जो लिए हैं वो इस प्रकार हैं: मैदा 1 कप, मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून, वनीला एसेंस जो मैं 1 टीस्पून यूज करूंगी, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, शुगर का पाउडर है जो मैंने 1/3 कप लिया है, साथ ही ये हंग कर्ड है जो 1/2 कप है, और व्हिप क्रीम है जो 1 कप है। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं केक। सबसे पहले मैं दही और बेकिंग सोडा को एक साथ मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मैं दूसरे बर्तन में क्रीम और शुगर को एक साथ अच्छे से बीट कर लूंगी, जिससे खूब फ्लफी हो जाए। इसे हमें एकदम फोमी होने तक बीट कर लेना है, इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप किसी और स्पैटुला का भी यूज कर सकते हैं, जिससे उसे अच्छे से मिक्स हो जाए। क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी। वनीला एसेंस के बाद मैं कर्ड और सोडे का मिक्सचर भी डाल दूंगी इसमें अच्छे से, और इसे वापस से एक बार और अच्छे से बीट कर लेंगे। अब मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। मैदा, बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इस बीटेड इंग्रेडिएंट में ये सारे ड्राई मिक्स मैदा मिक्स कर दे रही हूँ। एक बार में हम थोड़ा ही मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। बाकी का भी मैदा मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कोई लम्प्स ना रहे बीच में। केक का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। साथ ही मैंने केक टिन को भी ग्रीस करके रखा हुआ है। केक के मिक्सचर को भी मैंने बेकिंग टिन में डाल दिया है, साथ ही मैंने ओवन को भी प्रीहीट होने रख दिया है। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसमें केक का टिन डाल देती हूँ। इसे मैं 180 डिग्री पर और एक बार पहले 25 मिनट्स के लिए सेट कर दे रही हूँ। केक बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनने में पूरे 35 मिनट लगे हैं। अब मैं इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेती हूँ। टूथपिक एकदम साफ निकल कर आया है। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी। केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है। केक बहुत ही अच्छा निकल कर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने केक थोड़ा कट करके भी देखा है। ये आप देख सकते हैं केक कितना बढ़िया स्पॉन्जी तैयार हुआ है, एकदम रूई जैसा स्पॉन्ज केक तैयार हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरे वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।